श्याम जो माखन खाने में अपने घर में आनंद आता है वो वाला कहां रखा है। मनसो का माखन भी खा रहा है, बात भी कर रहा है, मुरली धर रहा है। जब कोई कॉपी शिकायत लेकर के आई मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी और आज तुम लगे हम तो पकड़े गए मैं नहीं छोड़ेंगे। भगवान बोले भैया चोरी हमने नहीं की। माया सुधा बोले जब तुमने चोरी नहीं की तो जब मटकी किसने फोड़ी। कन्हैया बोले भैया मटकी हमने नहीं ठोकी, अपने घर में जो कजरी बिल्ली है ना उसने ये मटकी फोड़ी है, चोरी हमने नहीं की। मतलब तो बहाना बनाते हो भगवान अपने मैया को मैं ना मालूम, लेकिन हमारी बात सुनो कि मैया घर में कजरी कन्हैया झूठ बोल रहा है। माया सोता बोली है पर
शुदा तू भी इसके साथ में रहता है और तूने केवल इसे चोरी करना सिखाया है। मनसुखा बोलो भैया, हाँ मैंने चोरी करना इसे नहीं सिखाया है, इसने तो हमें चोरी करना सिखाया है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे घर में किस बात की कमी है? किस बात की कमी है? हमें क्या माखन खाने के लिए नहीं मिलता है? लेकिन तुम्हें ना मानो भैया, हमारी एक बात सुनो। क्या हम मनसुखा भगवान का नहीं आ कि शिकायत करने लगा अम्मा? हमने इसे चोरी करना नहीं सिखाया, ये तो हमें चोरी करना सिखाता है। हमारे घर में किस बात की कमी है भैया? मनसुखा भगवान का नहीं आगे शिकायत करने लगा। तो मनसुखा बोलो भैया, लेकिन हमारी बात सुनो, ये भैया जो जब इसके साथ में पकड़ जाए तब शिकायत करने में लगा है। माया सोता बोली, कोई बात नहीं मनसुखा, हम का नहीं आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे भैया, जब कोई गोपी शिकायत लेकर के आई, मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी। अब माया सोता भगवान का नहीं आपको बांधने लगी, और जब बांधने लगी है, जो सी रस्सी लेकर के आती है वो रस्सी झूठी पड़ जाती है। अब ये समझ में नहीं आता है कि श्याम सुंदर का अंग मोटा होता जा रहा है या वो रस्सी का।
समझ में नहीं आता। भगवान का नहीं लगने का है कि माँ यशोदा बहुत परेशान है। एक छोटी सी रस्सी में बंध गई, भगवान का नहीं आकर ले जाकर क्यों खलसा मान दिया। माँ यशोदा किसी काम में लगे, भगवान का नहीं आकर देखा है कि माँ यशोदा किसी काम में व्यस्त है। तो उसी आंगन में तो वृक्ष खड़े हुए थे यमला और अर्जुन के, भगवान का नहीं आने वो खड़ी दोनों वृक्षों के बीच में फंसाई है। झटका मारा तो दोनों वृक्ष टूट गए और दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए। पहले तो भगवान को देख करके बहुत हंसे, फिर बाद में बहुत रोए। कौन थे ये दोनों और ये दोनों वृक्ष कैसे बन गए? भगवान को देख करके हंसे फिर रोए के, कौन थे ये दोनों? आओ जल्दी जल्दी बताते चले। ये दोनों जो थे कुबेर के लड़का थे, कैलाश निवासी थे, शंकर जी के वरदानी थे, लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे, घमंडी। तब इन्हें का नाम था नलकूपन और मणिकरी। लेकिन ये दोनों बच्चे कैसे बने गए? एक बार ऐसा हुआ, दोनों घमंडियों ने शराब पी ली और शराब के नशा में बुद्धि खराब हो गई। वो एक बात और बताए, देखो शराब और बुद्धि में बहुत बड़ा बैर होता है, शराब और बुद्धि में बहुत बड़ा बैर होता है। शराब अंदर और बुद्धि बाहर, दोनों घमंडी सरोवर में नहाने के लिए गए हैं अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के। सरोवर में जब पहुंचे हैं तो दोनों घमंडी अपनी स्त्रियों से बोले हैं, आज हम सरोवर में ऐसे नहीं नहाएंगे। फिर कैसे ना हो गए? तो दोनों घमंडी बोले हैं, सुनो अपनी स्त्रियों से, दोनों घमंडी नहीं माने। सरोवर में नगे होकर के करने लगे हैं। अब समान तो देव ऋषि नारद का ना हुआ, नारद को देखा है तो बाहर आकर के वस्त्र पहन लिए, लेकिन वे दोनों घमंडी जब
में नगिनी ही वृक्षों की तरह खड़ी रही। नारद को क्रोध आ गया। नारद बोले हैं मूर्खों, हमें देख करके तुम्हारी स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए, लेकिन तुम दोनों घमंडी वृक्षों की तरह जल में ही नगिन खड़े रहे, तो हम तुम्हें साथ दे रहे हैं, तुम दोनों वृक्ष हो जाओगे। वृक्ष दोनों घमंडी नारद के चरणों पर गिर पड़े। का नारद हमसे बहुत लंबी भूल हो गई, अब हमारा उद्धार कैसे होगा। जहां पे अनुरोध और विनती की है तो नारद बोले हैं इंतजार करो, द्वापर में भगवान का नहीं आके हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो भाई थे ये नल कुबड़ मरकरी, पहले हंसे फिर रोए, हंसे क्यों, हंसे इसलिए क्या तीनों लोगों के नाथ खुद बने हुए घूम रहे, और रोए इसलिए कि प्रभु तुमने आने में बहुत विलंब किया है। इधर नंद बाबा ने देखा है कि बिना आंधी आए बिना हवा चले तुम्हें भारी भारी वृक्ष टूट गए, तो अब हमें गोकुल में नहीं रहना चाहिए। पहले जो तुलसी का मन था जिसे आज वृंदावन कहते हैं, गोकुल के रहने वाले ब्रजवासी वृंदावन में जाकर के बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके वहां रहने लगे हैं। भगवान के नहीं आए